तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे चैनल पर चलाई जा रही सवाल जवाब सीरीज की 13वीं वीडियो, जिसमें आज मैं देने वाला हूँ आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए उन सवालों के जवाब, जो सवाल आप लोगों ने हमारी इस पिछली Q&A वीडियो में मुझसे #MasterJee लगाकर पूछे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएं। लेकिन फिर भी अगर आपका सवाल इस वीडियो से भी छूट जाता है तो आप अपने उस सवाल को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दोबारा से मुझसे #MasterJee लगाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस सवाल को अपनी अगली Q&A वीडियो में मैं जरूर शामिल कर लूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने हाल ही में 550 रुपए का एक नया सिक्का जारी किया है, जिसकी थीम है श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व। और ये सिक्का जारी किया गया है कैलकटा मिंट के द्वारा। और दोस्तों, इस सिक्के की बुकिंग भी स्टार्ट कर दी गई है, जिसमें इस तरह के UNC कॉइन की कीमत रखी गई है 2374 रुपए। वहीं इस थीम का प्रूफ कॉइन आपको मिलेगा 2600 रुपए में। और इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन SPMCIL की वेबसाइट से कर सकते हैं, और की डायरेक्ट लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल हमसे किया है मोनू घालोत्रा जी ने, और इन्होंने लिखा है, हेलो सर, डॉक्टर BR अंबेडकर 10 रुपीज क्वाइन 2015 ईयर वैल्यू प्लीज। यानी कि ये जानना चाहते हैं 2015 के BR अंबेडकर जी के 10 रुपए के इस सिक्के की कीमत। तो 10 रुपए का ये कमेमोरेटिव क्वाइन जारी किया गया था भारत की चारों मिंटों से, और इनमें कैलकटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के थोड़े से स्केयर हैं, जिनकी कीमत UNC कंडीशन में जाती है लगभग 30 रुपए से 50 रुपए के बीच में। वहीं मुंबई और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, यानी कि UNC कंडीशन में इनकी कीमत जाती है लगभग 15 रुपए के आसपास। तो यहां पर जोगेंद्र सिंह जी ने लिखा है, नमस्कार, आई एम ए क्वाइन कलेक्टर, आई वॉच योर वीडियोज रेगुलरली, प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ 1 रुपी क्वाइन थीम पर्यटन ईयर। तो यहां पर ये जानना चाहते हैं 1991 के इस सिक्के की कीमत, जिसकी थीम है टूरिज्म ईयर यानी कि पर्यटन वर्ष। तो 1991 के इस 1 रुपी के कमेमोरेटिव क्वाइन को दो अलग अलग मिंटों से जारी किया गया था, जिसमें थी बॉम्बे और हैदराबाद की मिंट। हालांकि ये दोनों ही सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, और इनकी UNC कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू जाती है लगभग 50 रुपए के आसपास, और नॉर्मल कंडीशन में ये कीमत 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में ही रहती है। तो यहाँ पर सूर्या वर्मा जी का सवाल है, रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला UNC सेट और प्रूफ सेट कौन सा था? तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पहले ही इस वाली वीडियो में बताया हुआ है कि आजाद भारत के सबसे पहले कमेमोरेटिव क्वाइन थे 1964 के ये सिक्के, और रिपब्लिक इंडिया के सबसे पहले UNC और प्रूफ सेट्स भी इन्हीं सिक्कों के ही आए थे, जिनमें होते थे 50 पैसे और 1 रुपए के ये सिक्के। और इस तरह के एक प्रूफ सेट की कीमत आज के समय में है लगभग 60,000 रुपए के आसपास, जबकि इस प्रूफ सेट का इशू प्राइस था 39.50 रुपए। और वहीं बात करें इस थीम के UNC सेट की, तो जारी किए जाने के समय में इसकी जो कीमत थी वो थी 7.5 रुपए, जबकि आज इस तरह के एक UNC सेट की कीमत है लगभग 50,000 रुपए, और ये दोनों ही सेट रेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अनीश पटेल जो कि इंदौर से हैं, इन्होंने लिखा है, 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों में किस ईयर और किस गवर्नर के नोट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं? तो 500 रुपए के सबसे पुराने नोटों पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने इन नोटों की आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी। और रही बात 500 और 1000 रुपए के डिमोनेटाइज नोट्स की, तो उन नोटों की अब कोई फेस वैल्यू नहीं है, और ना ही अब आप उन नोटों को ज्यादा क्वांटिटी में रख सकते हैं, इसलिए उन नोटों की कीमत की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, 1000 रुपए के नोटों में काफी सारे ओल्ड इश्यूज आते हैं, जिनमें काफी रेयर और स्केयर नोट शामिल हैं, और इन सभी नोटों पर आप लोगों को जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर रावत बंधु जी ने लिखा है, नमस्कार सर, मेरे पास 1982 का राष्ट्रीय एकता के 2 रुपए के 20 क्वाइन है, इनकी क्या वैल्यू होगी? और ये आगे लिखते हैं कि क्या 1982 से 1989 तक राष्ट्रीय एकता के सिक्के नहीं आए थे? मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे नहीं मिले। तो जैसा कि आप जानना चाहते हैं 1982 के राष्ट्रीय एकता वाले 2 रुपए के सिक्कों के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि 1982 का ये 2 रुपए के सिक्का एक कमेमोरेटिव क्वाइन था, यानी कि ये था 2 रुपए का पहला स्मारक सिक्का। लेकिन दोस्तों, इसी थीम के जो 2 रुपए के सिक्के 1990 में जारी किए गए थे, वो थे एक डेफिनेटिव यानी कि रेगुलर क्वाइन, और 1990 का ये सिक्का था 2 रुपए का पहला डेफिनेटिव क्वाइन। तो अब बात करें आपके सवाल के अगले हिस्से की, तो जी हाँ, 1983 से लेके 1989 तक कोई भी 2 रुपए का सिक्का नहीं आया था। लेकिन दोस्तों, इसी
बीच एक पैटर्न क्वाइन जरूर बना था, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही इस वाली वीडियो में दी हुई है। तो अगर आप इन दो रुपए के सिक्कों के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो अगला कमेंट आया है डेविड जामिर जी का और इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम दीमापुर नागालैंड। सर प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ जॉर्ज सिक्स किंग एम्परर 1 रुपी सिल्वर क्वाइन 1941। यानी कि ये जानना चाहते हैं 1941 के 1 रुपी के क्वाइन की कीमत। तो 1940 से लेकर 1945 के बीच के सिक्के बनाए जाते थे 50% चांदी से, यानी कि 1941 का 1 रुपी का क्वाइन भी बना होगा हाफ सिल्वर का। तो ये सिक्का जारी किया गया था सिर्फ बॉम्बे की मिंट से और इसकी आज के समय में कीमत जाती है 300 रुपए से 800 रुपए के बीच में, जो कि डिपेंड करती है इसकी कंडीशन पे। तो यहाँ पर रोशन संगाई जी ने लिखा, सेलिब्रेटिंग इंडिया ONGC 50 2016 के 5 रुपीज के क्वाइन की क्या कीमत होगी। तो 2006 में जारी हुए ONGC के इस सिक्के की कीमत की बात करें तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ स्टेनलेस स्टील के सिक्कों की, लेकिन इसमें कॉपर निकल की वेरायटी भी आती है, जिसके बारे में हम कभी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के बने हुए इस 2006 के सिक्के की कीमत की बात करें तो इनमें आती है 2 अलग अलग मिंट के सिक्के, जिसमें से पहला है कैलकटा मिंट और दूसरा है हैदराबाद मिंट। और इनमें हैदराबाद मिंट के सिक्के थोड़े से स्केयर होते हैं, जिनकी कीमत UNC कंडीशन में जाती है लगभग 40 से 50 रुपए तक। वहीं कैलकटा मिंट के सिक्के कॉमन है और कीमत जाती है 10 से 15 रुपए तक। तो यहाँ पर अगला कमेंट आया है सट्टा किंग रतन जी की तरफ से और इन्होंने लिखा है, मेरे पास 1830 का क्वार्टर आना है जो कि एक रेयर क्वाइन है, उसकी कीमत क्या होगी। तो दोस्तों 1830 का ये क्वार्टर आना होता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, और जी हाँ, ऐसे सिक्के अब अच्छी कंडीशन में रेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। यानी कि अगर आपका ऐसा सिक्का है एक्स्ट्रा फाइन या UNC कंडीशन में तो उसकी कीमत 5000 से 10000 रुपए तक भी जा सकती है। हालांकि कंडीशन फाइन या नॉर्मल होने पर ये कीमत 500 से 1000 के बीच में भी हो सकती है। यानी कि ऐसे ओल्ड कॉइन्स में पूरा खेल होता है कंडीशन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल की। तो मोहम्मद मुकीम जी ने लिखा है, मेरे पास 100 रुपए का RN मल्होत्रा का नोट है, उसकी क्या प्राइस होगी। तो दोस्तों RN मल्होत्रा जी के सिग्नेचर वाले 100 रुपए के जो नोट आए थे वो थे एग्रीकल्चर इशू वाले ये नोट, और इनमें भी इनके सिग्नेचर वाले 2 इश्यूज जारी हुए थे, जिसमें पहले थे कोबाल्ट ब्लू कलर के नोट, वहीं दूसरे थे ऐसे पिंक और ब्लू कलर के नोट। और RN मल्होत्रा जी के साइन वाले इस तरह के नोटों की जो कीमत है वो UNC कंडीशन में चल रही है लगभग 150 रुपए से 200 रुपए के बीच में। तो अगला सवाल है प्रसिंग बाल जी की तरफ से और इन्होंने लिखा है, मेरा एक सवाल है कि 2010 में जारी हुए 19वें कॉमनवेल्थ के 2 रुपए के सिक्के क्या रेयर हैं, और यदि हाँ तो किस मिंट के और इनकी वैल्यू क्या है। तो वैसे तो इस सवाल का जवाब मैं पहले भी इस वाली वीडियो में दे चुका हूँ, जिसमें मैंने कवर किए थे स्टेनलेस स्टील के सारे कमेमोरेटिव क्वाइंस को। लेकिन फिर भी एक बार मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस तरह के सिक्के आए थे कैलकटा, हैदराबाद और नोएडा के मिंटों से, और ये सारे सिक्के बिल्कुल ही कॉमन हैं, जिनकी कीमत मुश्किल से 5 रुपए भी नहीं है। तो यहाँ पर हसमुख दुलेरा जी जानना चाहते हैं कि क्या ओल्ड क्वाइंस अपने पास रखने के लिए कोई रूल्स हैं। तो जी नहीं, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अपने पास ऐसे 500 रुपए और 1000 रुपए के डीमोनेटाइज नोट रखते हैं तो इनको रखने के लिए एक रूल ये है कि आप ऐसे ज्यादा से ज्यादा 10 नोट्स ही रख सकते हैं। और अगर आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आप इनको रिसर्च या एजुकेशनल पर्पस के लिए रख रहे हैं तो इनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकती है। और इसके अलावा एक रूल ये है कि आप 100 साल या उससे ज्यादा पुरानी चीजों को भारत से बाहर ले जाने के लिए आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हीरेन पटेल ने लिखा, सर मेरे पास 1 रुपए 1992 का 786 वाला नोट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 1992 में जो 1 रुपए के नोट आए थे उन पर सिग्नेचर थे मॉन्टेक सिंह आलूवालिया जी के, और ऐसे एक नॉर्मल नोट की UNC कंडीशन में कीमत जाती है 10 रुपए से 15 रुपए के बीच में। लेकिन अगर आपके नोट में है 786 तो ऐसा एक नोट आपको आज के समय में दिला सकता है लगभग 50 रुपए से 200 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर देवांशु जैन जी जानना चाहते हैं, स्पेशल एनिवर्सरी ओकेशन पर जारी होने वाले 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्कों की वैल्यू उनकी इनिशियल वैल्यू से कितनी ऊपर होती है। यानी कि इनका सवाल है कि कमेमोरेटिव क्वाइंस की वैल्यू उनको जारी किए जाने के टाइम पर उन पर लिखी हुई कीमत से कितनी ऊपर होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI की नजर में रेयर से रेयर सिक्के या नोट की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी कि उस नोट या सिक्के पर अंकित होती है, और वैल्यूज बढ़ती है तो सिर्फ कलेक्टर की नजर में। और बात रहे कि वैल्यू कितनी बढ़ सकती है तो ये डिपेंड करता है उस चीज की डिमांड एंड सप्लाई पे। यानी कि अगर कोई सिक्का कम मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी कीमत कलेक्शन करने वालों की नजर में बढ़ेगी, और अगर कोई सिक्का बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है तो उसकी कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर अल्फ्रेड जी ने लिखा है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ हज
सिंगल 100 रुपीज नोट इन वेरी वेरी गुड कंडीशन। आई हैव 23 पीसेस ऑफ हज 100 रुपीज नोट। तो 100 रुपीज का हज इशू नोट भारत के इतिहास का एक सबसे रेयर नोट माना जाता है और इसकी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कीमत जाती है लगभग 20 लाख रुपए तक, जिसको की अभी हाल ही में लखनऊ के विरासत ऑक्शन में भी रखा गया था और यूएनसी कंडीशन में ये कीमतें और भी ऊपर जा सकती हैं। वहीं अगर आपके पास है ऐसे 23 नोट तो इसका मतलब या तो आप एक बहुत बड़े कलेक्टर हैं या फिर आपके पास है ऐसे फेक नोट्स, क्योंकि किसी के पास एक साथ ऐसे 23 नोट होना मेरे हिसाब से तो काफी मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसे असली नोट हैं तो आप इनको किसी ऑक्शन हाउस के जरिए भी बिकवा सकते हैं। तो यहाँ पर द करेंसी कलेक्टर की तरफ से एक सवाल आया है जिसमें इन्होंने लिखा है, भाई मेरे पास 10 रुपए के ब्लैक शिप वाले नोटों का बंडल है और उसमें पिन लगी है, क्या मैं पिन निकाल के रखूं या फिर पिन लगा के ही रखूं? तो अगर आप एक नए कलेक्टर हैं तो आप सभी को मेरी एक सलाह है कि जो चीज आपको जिस कंडीशन में मिली है कोशिश कीजिए कि उसे उसी कंडीशन में ही बनाए रखें, क्योंकि उससे छेड़छाड़ करने पर उसकी कंडीशन और खराब ही होगी। और बात रही नोटों के बंडल पर लगी हुई इस पिन की, तो इसको आप ना ही निकालें तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा करने पर इनकी वैल्यू तो घटेगी ही, साथ ही इनकी कंडीशन पे भी फर्क पड़ेगा। तो कोशिश करें कि ऐसा काम आप ना ही करें तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को काफी कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपके मन में भी भारतीय सिक्के या नोटों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो उस सवाल को आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में #masterji लगाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके उस सवाल के जवाब को अगली Q&A वीडियो में शामिल करने की। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर भी नहीं किया है तो आप हमें सपोर्ट करते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे भी नए हैं और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और सच्ची वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को सबसे पहले ही मिल सकें। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।